पशुओं में चीचड़, खलील, जों या कीलने की जैसे समस्या है, लोकल भाषा में इनको जैसे चीचड़ों की समस्या मानते हैं। आज की तारीख में ये भी पशुओं के लिए और पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। टिक्स हैं, ये एक बार पशु के ऊपर हो जाते हैं तो इसमें कई बार हमारे किसान भाई भी क्या करते हैं, टिक्स को नहलाने के दौरान वो उतार उतार के अपने हाथों से उतार के नीचे या तो नाली में डाल देते हैं या कहीं वैसे ही छोड़ देते हैं। और वो कई बार टिक्स है ना, नाली के पानी के चैनल के थ्रू या फिर कई बार पड़ोस वाली डेयरी में या पड़ोस के एनिमल के उस पर भी चले जाते हैं और टिक्स में वहाँ पर भी जाके अपने अंडे दे देते हैं। सबसे पहले तो हमने पशुओं की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं के नीचे गिल्ला बिल्कुल ना रहे, सूखा रखें। पशु को खाना चारा खिलाने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए फर्श को सूखने का पूरा मौका दें और फिर यदि आपने पशु वहाँ से खोल दिए फिर चाहे एक बार आप जैसे ये टिक्स के लिए दवाइयाँ आती हैं, मैं कहूँगा अमित राज नाम से जैसे दवाई आती है, उसका एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में घोल बना करके पशुओं के उस बाड़े में नीचे एक बार स्प्रे कर दिया जाए। इसके 2 फायदे हैं कि ये बड़े पशुओं को तो मारेगी, जो मादा है उसको ये बांझ भी कर देती है, आगे अंडे नहीं दे पाती। किसान भाई ने एक बार इस दवा को लगाने के बाद कम से कम हफ्ता या 10 दिन बाद एक बार फिर रिपीट करें। इससे क्या होगा कि जो बड़े चीचड़ हैं वो तो मर जाएंगे लेकिन जो अंडे थे उनसे बच्चे निकलेंगे, उन पे सेकंड स्प्रे में फिर दोबारा से उनको ख़त्म किया जा सकता है। और 10 से 15 दिन बाद एक बार थर्ड बार ऐसा हम करेंगे तो कम्प्लीट इरेडिकेशन हो जाएगा। जहाँ पशुओं को हम बांधते हैं वहाँ पर भी यदि एक बार स्प्रे कर दें और 4 घंटे के लिए पशुओं को वहाँ से हम हटा दें। खोर में जहाँ पशु को बांधने का खुट्टा गड़ा होता है उसके आसपास भी कई बार मिट्टी या कई बार गोबर या कई बार चारा इकट्ठा रहता है और चीचड़ की एक टेंडेंसी रहती है या तो वो बहुत ज़्यादा सीलन वाली जगह पे या अंधेरे वाली जगह पे छुपने की या बुर्रो बना के ये ईंटों के बीच में जो जगह होती है वहाँ छुपने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि प्रॉपर कंसंट्रेशन में हम मेडिसिन का घोल बना के और वहाँ पर यदि हम डाल लें और 3 से 4 घंटे के लिए पशु को वहाँ पर ना लेके आएँ तो ऑलमोस्ट 3 स्प्रे में इनका इरेडिकेशन हो जाता है। जब पशु बाहर से आप खरीद के लेके आते हैं, आपकी डेयरी मान लो टिक्स फ्री है, तो इस बात का ध्यान करें कि बाहर से आने वाले पशु पे टिक्स इन्फेक्टेशन तो नहीं है। यदि है तो उसका क्वारंटाइन में आप पहले इलाज करिए, टिक्स फ्री वहाँ करके लेके आइए और उसके बाद आप उस एनिमल को अपने हर्ड में एंट्री करिए। दूध उत्पादन पे इसका बहुत ही भयंकर असर पड़ता है। सीधा सीधा कारण है क्योंकि ये पशु के शरीर पे बैठने के बाद पशु के शरीर को काटते हैं और वहाँ से ये खून चूसते हैं। अब पशु के शरीर से जब एक बार खून चूसा गया तो डेफिनेटली वहाँ से ये तो खून के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स ये चूस लेते हैं। दूसरा, जब पशु को काटते हैं तो मेंटल एगोनी से भी पशु उसको परेशान होना पड़ता है, बोल के पशु सुना नहीं सकता पर उसको बहुत दिक्कत आती है, वो बेचारा स्ट्रेस में भी रहता है, परेशान भी रहता है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम्फर्ट जोन में यदि हम पशु को रखेंगे तो दूध निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और यदि पशु स्ट्रेस में है, चाहे फिर वो किलने की वजह से भी क्यों ना हो, तो डेफिनेटली है उसका इफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन पर भी आएगा। और आज की डेट में टिक इन्फेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान समय रहते किसान को करना चाहिए, अपने पशु को समय रहते टिक से बचाने के लिए नियर बाय हॉस्पिटल में जाके टीके लगवाने चाहिए और इसकी मेडिसिंस भी आती हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। समय पे यदि हम ये पूरा ध्यान रखें तो टिक की समस्या से निजात पाया जा सकता है।